आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है वैद्युत विभव तथा धारिता। इस वाले चैप्टर की पहली हेडिंग है वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। फ्रेंड देखिए, जहाँ पर वैद्युत विभव यानी वैद्युत विद्युत की बात होती है, तो वहाँ पर सारी कार्रवाई होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होती है, यानी वैद्युत क्षेत्र के अंदर होती है। वैद्युत क्षेत्र, ये वाला वर्ड है, आपको एकदम याद कर लेना है। आवेश को हम देखिए क्यू से प्रदर्शित करते हैं, जो कार्य होता है वर्क उसको हम डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं, ये आपने क्लास 11th में ही पढ़ा होगा। अब देखिए वैद्युत विभव क्या होता है। मान लीजिए जो इतना एरिया है ये है वैद्युत क्षेत्र, यानी यहाँ तक वैद्युत क्षेत्र है, इसके बाद का एरिया वैद्युत क्षेत्र नहीं है। वैद्युत क्षेत्र में ये वाला कोई पॉइंट है, बिंदु पी, ठीक है। अब देखिए ये आवेश है कोई, ठीक है, ये परीक्षण आवेश है। मान लीजिए इस वाले आवेश के द्वारा हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो परीक्षण आवेश को हम क्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं, यहाँ पर जीरो लगा दें, ये क्या हो गया क्यू नॉट। अब मान लीजिए ये परीक्षण आवेश है अनंत से, बहुत दूर से, मान लीजिए अनंत यहाँ पर है, इतनी दूर से वैद्युत क्षेत्र के अंदर, ये वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक, यहाँ तक इस आवेश है ये क्यू नॉट परीक्षण आवेश, इसको हम यहाँ तक ले करके आएंगे वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक। देखिए माना कोई परीक्षण आवेश है क्यू नॉट, इसको अनंत से, ये क्या दूरी है, ये अनंत, बहुत दूर रखा हुआ है, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। यहाँ से यहाँ तक लाएंगे तो हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा, तो किया गया कार्य W और इस परीक्षण आवेश, ये वाला जो परीक्षण आवेश है इसकी वैल्यू, इन दोनों के अनुपात को हम वैद्युत विभव कहते हैं। देखिए तो वैद्युत विभव को हम V से प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, V इक्वल टू इस आवेश को यहाँ तक लाने में किया गया कार्य W और ये वाला आवेश इसकी वैल्यू, कौन से आवेश को लेकर के आए, उस आवेश का मान, अपॉन क्यू नॉट, दोनों का अनुपात, तो W के बटे क्यू नॉट, इसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। आराम से आपको समझ में आ गया होगा वैद्युत विभव की डेफिनेशन। इसका मात्रक होता है वो क्या होता है, देखिए कार्य का मात्रक जूल होता है, जूल, और आवेश का मात्रक कूलाम होता है, तो वैद्युत विभव का मात्रक क्या हो गया, जूल प्रति कूलाम, जिसको हम वोल्ट भी बोलते हैं। तो वैद्युत विभव के दो मात्रक हो गए, एक तो जूल प्रति कूलाम, दूसरा वोल्ट। वही बात करें वैद्युत विभव की बीमा की, तो इसका बीमी सूत्र होता है ML2T-3A-1। इसके बाद अपनी नेक्स्ट हेडिंग आती है वैद्युत विभवांतर क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सारी हेडिंग्स को आपको समझाता हूँ, यहाँ पर लिखाता नहीं हूँ, खुद नोट्स मैं खुद लिखता हूँ। अगर आपको हमारे द्वारा बनाए हुए हर एक चैप्टर के नोट्स चाहिए, तो उसके लिए आपको हमारा टारगेट 90+ बैच ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसकी फीस पूरे साल के लिए 400 रुपये रखी गई है। इस बैच में हम आपको हर एक सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, बायो, 6 की 6 सब्जेक्ट के नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे, उनके सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे, एनसीईआरटी सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे, लास्ट 5 ईयर क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराएंगे और उनके सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे, और जो फाइनल सैंपल पेपर आने वाले हैं उनको भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो इतना सब कुछ मात्र आपको सिर्फ 400 रुपये मिलेगा। इसको 400 रुपये आप हमें कैसे भी पे कर सकते हो, ऑनलाइन 89-78-30-21-95 इस वाले नंबर पर पे करके ये क्लासेस आप हमसे ले सकते हो। अभी बात करते हैं वैद्युत विभवांतर क्या होता है। देखिए फ्रेंड, वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर में थोड़ा सा अंतर है। वैद्युत विभव में क्या था, हम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लेकर के आए थे, लेकिन वैद्युत विभवांतर में क्या है, जो आवेश है वो वैद्युत क्षेत्र के अंदर ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, ये पूरा, ये वाला जो एरिया है, ये मान लीजिए ये पूरा वैद्युत क्षेत्र है इसके अंदर, ठीक है। तो वैद्युत विभवांतर की परिभाषा क्या होती है, पहले ये समझ लीजिए, यानी वैद्युत क्षेत्र में किसी परिचर धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा परिचर आवेश के अनुपात को उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहते हैं। तो इसके अंदर पूरा वैद्युत क्षेत्र है, मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु है ये B, एक बिंदु है ये A, और यहाँ पर ये परिचर आवेश रखा हुआ है Q नॉट। अब इस आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर इस वाले बिंदु से इस वाले बिंदु तक हम ले जाएंगे, तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जो किया गया कार्य है W और जो आवेश को लेकर के गए हैं उसका अनुपात क्या कहलाता है, वैद्युत विभवांतर कहलाता है। ये आपको समझ में आ गया होगा, वैद्युत विभव में सिर्फ एक ही अंतर था, आवेश को हम अनंत से लेकर के आए थे और वैद्युत विभवांतर में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र के अंदर ये कार्रवाई हो रही है, ये इतना अंतर है।
तो देखिए यहाँ से यहाँ तक हम लेकर के आए तो इसको लिखेंगे वैद्युत विभवांतर बी वी माइनस बी ए, यानी इस बिंदु से लेकर के इस बिंदु तक लेकर के आए यूकल टू डब्लू अपॉन क्यू नॉट, ये हो गया वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभवांतर हमेशा दो बिंदुओं के बीच होता है, इस बात को ध्यान रखना, वैद्युत विभवांतर हमेशा दो बिंदुओं के बीच में होता है, दो पॉइंट चाहिए वैद्युत विभवांतर तभी उत्पन्न होगा, नहीं तो नहीं होगा। इस वाले बिंदु से लेकर के हम इस वाले बिंदु तक लेकर आए तो बी वी माइनस वी ए, अगर हम इस बिंदु से लेकर के यहाँ पर लेकर के जाते तो क्या होता है वी ए माइनस वी बी, तो इसका मात्रक होता है वो जूल प्रति कूलाम वैद्युत विभव की तरह होता है, जिसको हम वोल्ट भी बोलते हैं, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं वोल्ट। इसके बिमी सूत्र की बात करें वो सेम वैद्युत विभव की तरह होता है एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन, और यह एक अदिश राशि होती है। फ्रेंड इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो में लेकर के आएंगे।